फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह याद दिला दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं, पर आते रहिए। आज का मुद्दा और आज की कहानी, मुद्दा ये कि क्या माँ को बच्चों की परवरिश में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। मैं माँ इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया के किसी भी समाज में बच्चों की तबीयत, बच्चों के संस्कार की सारी जिम्मेदारी माँ पर ही होती है। आप इसे सही माने या ना माने, पर हम जानते हैं कि लोग यही समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी माँ पर होती है। माँ चाहे वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, चाहे जो भी हो, जिम्मेदारी उसी की मानी जाती है। तो मुद्दा ये है कि माँ को स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं अपने बच्चों के साथ। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रिक्ट होने के वो दौड़ में माँ थोड़ी आगे भी निकल जाती है, पर क्या ये सही है? आइए सुनते हैं कहानी, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको सुना रही है आरजे मधुरा नहीं, आपको सुना रहा है प्रीतम, जिसका एक और भाई है और एक बहन, और उसकी जो माँ है, जिसे वो मानता है, बड़ी सेल्फिश है। आइए शुरू करते हैं कहानी। प्रीतम कहता है कि मेरी जो माँ है वो बहुत सेल्फिश है, मेरा एक भाई भी है, मेरी एक छोटी बहन भी है, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरी माँ बहुत सेल्फिश है। आपको अजीब लग रहा है ना सुन के कि मैं बार बार अपनी माँ को सेल्फिश कह रहा हूँ, तो सच में बहुत सेल्फिश है। शुरू में कहाँ से करूँ? अच्छा, शुरू करता हूँ मैं अपने गैजेट्स से। मेरी मम्मी इतनी कंजूस है, खैर कंजूस तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पापा की कमाई तो काफी अच्छी है, पर पता नहीं मम्मी की क्या जिद है कि गैजेट से ना सिंपल यूज करो। गैजेट्स का काम क्या है? आप किसी से बात कर सके, थोड़ा बहुत सर्व कर सके, ये आईफोन वाईफोन का कोई चक्कर हमको मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ही बोलती है और हमारे को सादे सादे गैजेट्स देकर देती है। और जबकि हमारे फ्रेंड्स के पास क्या तरह तरह के गैजेट्स है, जब वो फ्लॉन्ट करते हैं हमारे सामने तो हमको इतना इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। यही नहीं, हमारे दूसरे फ्रेंड्स जब दिल चाहे पिकनिक जाते हैं, जब दिल चाहे घूमने जाते हैं, उनके मम्मी पापा उनको इतने पैसे दे देते हैं, और मेरी मम्मी जो है हम तीनों को कहीं जाने आने नहीं देती ज्यादा। अगर कहीं भेज भी देना गलती से तो चेकिंग करती है किसके साथ जा रहे हैं, कैसे लोग हैं, भला ये भी कोई बात होती है? दोस्त बनाने में भी कोई इतना सोचना पड़ता है? दोस्त ये सोच जिससे अच्छा लगे कर लो, पर मेरी मम्मी हमेशा ये तो देखेगी ही दोस्त अच्छे हैं या नहीं, पढ़ते हैं या नहीं, संस्कारी है या नहीं, भला ये भी कोई बात हुई? बहुत सेल्फिश है मेरी मम्मी। ये नहीं फ्रेंड्स, हमारे जो ग्रुप के दूसरे बच्चे हैं ना, वो तो जब कैंटीन में रिसेस होती है तरह तरह के खाना खाते हैं, इतने पैसे उनकी मम्मी देती है पॉकेट मनी। और हमारी मम्मी देखो अभी भी पुराने ख्याल की, टिफिन मांग के देती है हम तीनों को, लो ये खाना, हेल्थ के लिए ये अच्छा है वो अच्छा है। और दूसरे बच्चे जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी शर्म आती है, मैं क्या कहूँ, बहुत मेरी मम्मी अजीब है। सही बोलूं तो मेरे फ्रेंड सही कहते हैं, मेरी मम्मी बहुत सेल्फिश है, सच में बहुत सेल्फिश है। अभी तो मैंने आपको ज्यादा कुछ बताया ही नहीं, अभी और बातें सुनो। मेरी मम्मी बोलती है हमेशा सच बोलो। अरे सच बोलने में तो कई बार हमारी जान निकल जाती है, फिर भी सच ही बोलवाती है मम्मी, और ना बोले तो कभी कभी थप्पड़ भी पड़ जाते हैं हमको तीनों को। यही नहीं, दूसरे बच्चे स्कूल में बंक करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से बंक करते हैं, उनके मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, बोलते आराम से सो, क्या हो गया, हमारे बच्चे को तो आराम की जरूरत है। और हमारी मम्मी देखो, कभी हम बोलते हैं हमको आज स्कूल नहीं जाना, मन नहीं है, जाओ अच्छे मार्क्स लाओ, ये करो वो करो, खुद भी पढ़ाने बैठ जाती है हमको। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ होशियारी मारती है, कभी कभी बुक्स ले लेती है हमारी और बहुत चेकिंग करती है कि हमने होमवर्क सही किया कि नहीं, जो कुछ उनको समझ आता है उस हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ लेती है, मुझे बहुत हंसी आती है उस वक्त। मेरी मम्मी बहुत सेल्फिश है सच में, क्या बताऊं आपको, अंदर की बात है, आप किसी को कहना मत। खैर दोस्तों, मैं और मेरे भाई बहन बड़े हुए, हम टीनेजर्स हुए, तब तक मेरी मम्मी के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना, हमारी नस नस में समा चुके थे, हमको एक्चुअली कुछ अजीब लगता भी नहीं था। फिर हम और बड़े हुए, हमें अच्छी अच्छी जॉब्स मिली, हमारे अच्छे अच्छे लाइफ पार्टनर्स हमको मिले, और आज जब मैं कई बार मुड़ के अपने उन दोस्तों की तरफ देखता हूँ ना, जिनकी लाइफ स्टाइल से मुझे जलन होती थी, सच बताऊं आज उनको देखकर मुझे लगता है शायद मेरी माँ जो सेल्फिश थी ना, वो अच्छा ही था। क्योंकि आज हमें अपनी जॉब से फुर्सत नहीं है, हमें अच्छे काम करने से फुर्सत नहीं है, हम अपनी फैमिली को अपना टाइम देते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर्स इतने अच्छे, क्योंकि मेरी मम्मी संस्कारों को बहुत मानती थी, तो हमारे लाइफ पार्टनर्स भी बहुत अच्छे हमको मिले, जॉब्स भी अच्छी मिली। जब मेरे दूसरे हम सफर में उनको देखता हूँ ना,
जब राइट्स हो रहे हैं तो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, कहीं कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, लैंप लेके और मोमबत्ती लेके लोग जला रहे हैं, उस पर काम कुछ नहीं करते लोग, बस मोमबत्ती लेके जब किसी भी इश्यू के खिलाफ चल पड़ते हैं उसमें वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि शायद आज उनके पास करने के लिए यही सब है, जबकि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। ऑल थैंक्स टू माई सेल्फिश मम्मी, मेरी मम्मी सेल्फिश है। सच बताऊं, आज जब मैं अपने बच्चों को कोई भी चीज सिखाता हूँ ना, तो अपनी मम्मी को इमेज में रखता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी मम्मी होती तो क्या कहती, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जब मेरे बच्चे मेरी कुछ आदतों को देख के बोलते हैं ना, पापा आप बहुत सेल्फिश हो, बहुत मीन हो, बहुत बुरे हो, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं आप बहुत सेल्फिश हो, सच बोलूं मुझे सुनकर खुशी होती है, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी के लिए यही सोचता था और मेरी मम्मी ने जो कुछ भी मेरे लिए किया वह सब सही साबित हुआ। तो मुझे ये विश्वास है मेरे बच्चे भी जब मेरी उम्र के होंगे, ये बातों को जब याद करेंगे उन्हें भी लगेगा अच्छा था मेरे पापा सेल्फिश थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी, आपको आपके जवाब मिल ही गए होंगे इस कहानी से। आते रहिए, मैं भी आती रहूंगी, मिलते रहेंगे, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें कहानियां शेयर करेंगे। आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।